और जी अभी हम लोग ले रहे थे चाय की जूस को, यहाँ पे दिलीप भाई को चस्का चढ़ा है फोटो खींचने का, तो जस्ट अभी सामने दो तीन बाइक है। ये जो गाड़ियाँ आई हुई ना, मेरी सबसे बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि 650 में इतना अच्छा खासा सब कुछ नहीं मिलता हर गाड़ियों में, जो गाड़ियों में मिलता है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं अगर वो परमिशन देते हैं फोटो शूट करना है तो वी विल टेक दी फोटोज। इसलिए उनकी बाइक से फोटो खींच रहे हैं। लाइक लुक एट द व्यू, मैं पहली बार देख रहा हूँ 650 सीरीज की, अलग ही बात है उसमें। लाइक लुक वाइज बैक बहुत सही लग रहा है, सीट्स की अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा सही, और लाइट्स लाइक वो क्लासी वाला फील, रॉयल इनफील्ड वाला लाइट्स में। बाकी और तो यहाँ पे इतनी चार गाड़ियाँ हैं, रेड ब्लू ब्लू रेड, मतलब कौन सी चाहिए? अरे बोलो, मंगा देंगे, बिलाल की तो फोटो ले लेते हैं, वही मंगा देंगे आपके लिए। क्यों सर, हुआ तो हम ज़रूर लेंगे इसको भी। तो चलो फोटो शूट करते हैं अपना। Steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. तो जी केम छो, क्या हाल चाल, कैसा का है मुंडली? वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ GTM राइडर। तो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले, कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं? यहाँ से कुछ 120 किलोमीटर लमसम दूर एक महालक्ष्मी मंदिर करके है, वहाँ पे आज हम लोग का प्लान बना हुआ जाने का। वहाँ का आपको सीन दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा मंदिर है और काफ़ी दूर दूर से वहाँ पे पब्लिक आती है। तो यस, पब्लिक में हम भी हैं, तुम भी हैं, हम जा रहे हैं, घूम रहे, दिखा रहे, आप देखो और मजे लो। कुछ भी पसंद आए तो कमेंट करो और वीडियो में बने रहो। तो चलो मिलते हैं। तो अभी एक अंकल का एक्सीडेंट हो गया था, एक्टिवा से जा रहे थे, साइड में बाजू में थोड़ा सा खड्डा था, जैसे ये खड्डा है ना, ये खड्डा ऐसा एक खड्डा था उधर, तो उनकी एक्टिवा थोड़ा मतलब ध्यान नहीं देते हो, तो उनकी एक्टिवा पलट गई, उनको ज़्यादा हाथ पे ज़्यादा छिल गया लगता है, आई थिंक उनका हाथ भी टूट गया हुआ है। तो प्लीज़ यार, थोड़ा बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में थोड़ा ना संभल के चलना चाहिए गाड़ी वो साइड में, क्योंकि ना रोड पे थोड़े मोड़े खड्डे बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से जाते जाते हम लोगों को बीच में कुछ एक ऐसी ट्रक दिखी है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्या रीज़न आया हुआ है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई। जो गाड़ी है पूरी टेढ़ी चल रही है, स्टेयरिंग वाला जो टायर है उसका राइट साइड जा रहा है, और जो लेफ्ट साइड वाला पीछे वाला वो लेफ्ट साइड जा रहा है। कोई टेक्निकल इशू हो गया, टेक्निकल इशू तो नहीं लगता, कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा सर, तो जो पाटा आता ना, आई थिंक मेरे को हिसाब से उनके पाटा ही पता है, तो मतलब सब जो मिल के कम से कम 10-15 जन थे हम लोग, तो उनकी फोर व्हीलर थी आज के 8 साल पहले, तो हम लोग वहाँ विजिट करने गए थे, मंका अंकल घुमाने गए थे हम लोग को, तो काफ़ी अच्छा मंदिर लगा था उधर मेरे को। तो मैं वो सोचा आज कल रात को बैठे बैठे प्लानिंग हो रहा था, कल किधर निकलना है, उसके हिसाब से मैं बोला चलो जहाँ एक बार अंकल लेने गए घुमाने उधर ही चलते। तो प्लानिंग हम लोग का सक्सेस हो गया, देखा वहाँ पहुँचते हैं फिर वहाँ पे आप। चालू हो रहा है उसकी वजह से अपना ठंडी का जो मौसम होता है वो अपना प्रमोट धीरे दिखाना चालू कर दिया है। काफ़ी लोग जो ट्रैवलिंग के लिए आते हैं ना, जो मतलब लंबे लंबे टूर के लिए बसेस से, वो सब अपना मतलब इंजॉय कर रहे हैं इसको, कि देखो मतलब बाहर साइड में ऐसा होता है, चीज़ अच्छी क्या है ना, शहर इलाके में ये सब देखने मिलता नहीं है।
देखे हो तो कितना प्यारा व्यू है। ये अपना वाया मुंबई टू गुजरात साइड रहता है, तो जहाँ हम लोग मंदिर पे जा रहे हैं विजिट करने, ये बीच में पड़ा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। देखो तो ऐसा पहाड़ बीच में ऐसा लग रहा है कोई रख दिया कुछ, आई थिंक कुछ रखा नहीं है। ये तो कल अपना प्रकृति का डे ना, देख लो कितना प्यारा दिखा रहा है सब। अभी ठंडी का मौसम जैसे आएगा वैसे पूरा मतलब इतना क्लीन नहीं है, कैमरे में तो क्लीन दिख नहीं पाता होगा, और मुझे पता है आंखों में इतना क्लीन नहीं दिख रहा पूरा, चारों बगल सब पहाड़ ही पहाड़ है। बहुत ही प्यारा व्यू मॉर्निंग का, वाह वाह वाह। यहाँ का रोड पे गाड़ी चला के मज़ा ही आ जा रहा है। बाजू में इतना अच्छा खासा घास घास ऐसी क्लीन ही हुआ है, और देखो रोड इतना मतलब इतना अच्छा बना हुआ है इधर का रोड, खाली भगाते जाओ इतना मन इतना भगाते जाओ, बहुत ही प्यारा रोड है। एक्चुअली क्या ना ये सब आउट ऑफ एरिया आजू बाजू एरिया में होते ना, इसी से आगे उसे रोडों पर मिलता है और आजू बाजू सब जंगल वंगल होने की वजह से भाई साहब कैसे गाड़ी चला समझ में आ रहे थे। तो चलते चलते हमारे एक और टोल क्रॉस किए थे, टोल और पड़ गया हुआ है, टोल के बाद शायद से 5 किलोमीटर दूर और रहेगा वो मंदिर। बाकी हमारे जो गौतम भाई है जो पीछे छूट चुके हैं तो उनको खाने के लिए तब तक वेट करेंगे, और हमें लग गई थोड़ी भूख और गाड़ी का तो पेट भरा हुआ है, गाड़ी का टेंशन नहीं है अभी, अभी हम गौतम भाई आने का वेट करेंगे। 10 मिनट हम लोग यहाँ खड़े थे, तो 10 मिनट के बाद हमारे गौतम भाई की गाड़ी दिख चुकी है। तो हम लोग आए थे खाना पीना करने, टंकी तो फुल कर दिया, और हमारा टंकी फुल करना है, ऑर्डर देके बैठे 10 मिनट हो गया अभी तक, ऑर्डर दिया है ना। आप बोलो ये होटल वाले के साथ क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते, खाली वेट कर सकते। तो अभी बढ़िया बस आएगा फिर आपको दिखा देगा, देखो प्लेट आ चुका है। वो भाई साहब रुक जाओ 2 मिनट, वो हमारा नंबर भी आएगा वो भाई साहब, पर ये तो नॉन वेज है। सब इसके लिए मंगाया गया है। पहुंचने वाले हैं महालक्ष्मी टेंपल, तो हम लोग सुबह सुबह निकले थे, बट अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे, जिसकी वजह से हम जल्दी पहुंच जाएंगे अभी, क्योंकि टाइम जो हो रहा है 8:30 बज रहा है अभी। क्या हो गया, क्यों रुक गए लोग, क्या हो गया? महालक्ष्मी कितना मिला, कितना किलोमीटर है? 180 मीटर भी। 180 मीटर भाई, पहुँच गए हम लोग, पहुंच गए। पार्किंग। तो हम लोग का मंदिर का दर्शन तो हो गया, एक्चुअली क्या है ना हम लोग उधर आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ना वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है ना, फ़ोन में कैमरा सबका लॉकर में रख दिया गया था, तो इसलिए हम लोग आपको बाहर का सीन दिखा दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ था, जब मैं छोटा था तो इधर आया हुआ था, इसमें इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं लग रहा है, मुझे लगा था काफ़ी चेंज हो जाएगा, तो ठीक है। फिर भी बहुत प्यारा मंदिर है, दो बगल इसका डोर है, पूरा घूम घूम के जाना पड़ता है, आज के दिन ना क्राउड नहीं है जितना फ्राइडे के दिन होता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बच्चों के लिए, बप्पा मोरिया, हम आपको बाहर से दिखा दे रहे मंदिर की, मंदिर कैसा है, तो आगे दर्शन करिएगा, बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ का बहुत ही लंबा लाइन लगा के हम लोग ने दर्शन विजिट किया इसका, अगले प्लेस में यहाँ से कुछ दूरी पे एक प्लेस और है जहाँ हम लोग विजिट करने वाले, ज़्यादा दूर नहीं फिर भी दूर है, फिर भी आपको यहाँ से दिखाते हैं और हम लोग का दर्शन वर्शन तो होगा, अभी यहाँ से निकलते हम लोग। We'll be right back.
मांगा हो ना सर। तो वो मंदिर हम लोग विजिट करने के बाद कुछ दूरी आपको बोला था ना कि एक और प्लेस बना है जो हम लोग उसको विजिट करना है, तो वो है सूर्य रिवर। तो हम लोग नीचे छोटा सा वाटरफॉल दिखा है, उसको जाते जा रहे थे हम लोग वहाँ पे। तो हमारे चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा उनको लगा दिया हम लोग ने। अब आओ आपको दिखाते हैं वाटरफॉल जो छोटा सा जिसके लिए हम लोग रुके यहाँ पे। ये ऑलरेडी चश्मा लगाए हुआ बंदा है। मुझे लग रहा है बंद किया ना। तो अभी हम लोग इधर पहुंच गए पास में, करेंगे कि वो टॉप जो दिख रहा है उसके ऊपर चढ़े, उधर से थोड़ा फोटो शूट कर। तो हम लोग को यहाँ पे दिख गई है घास। लो भाई एनिमी। तो यहाँ थोड़ा पबजी वाला सीन चल रहा है। किसको फायर करने जा रहे हो? वो जो वहाँ बैठा है वो खड़ा है, साला पहले पहुंच गया, गद्दारी कर दिया हमसे। इसी से उड़ाऊंगा। गोली वोली लाए हो? गोली तोप लाए, तोप तोप लाए हो, तोप से उड़ा देंगे। फिर बता ना कहाँ मार रहे हैं उनको। तोप से उड़ाने आ रहे हम लोग तेरे को। तो जितना फोटो शूट करना था कर लिया, जितना घूमना था घूम लिया। तो ये सूर्य नदी, अभी फोटो शूट हो चुका है। ये भाई लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? बस ऐसे टाइम पास। भंडारा खाने आया? भंडारा तो पापा ने खिला दिया हमें। तो होप करते हैं आपको वीडियो में अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा तो प्लीज कमेंट करना। बाकी हाँ भाई बजाते रहो भाई, टन 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 टन। ये भाई तो बिजी है। तो प्लीज कमेंट करना जो भी अच्छा लगा वीडियो में, जो भी बुरा लगा प्लीज कमेंट करो। और क्या बारे में कमेंट जरूर बताना कि वो खेत में क्या था जिसको चश्मा लगाओ ना सर। तो वीडियो को यही एंड करते, मिलते किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये कहना था कि प्लीज सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। You just always been a tighter rusher. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up.